फॉर्सेज एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान है, और जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो हम सबके मन में कुछ डाउट्स आते हैं कि क्या ये इन्वेस्टमेंट सही है, कहीं कंपनी हमारे पैसे लेके भाग गई तो। क्या आपके मन में भी सारे डाउट्स आते हैं? सो मैं सुषमा सिंह आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि फॉर्सेज कभी नहीं बंद होने वाला एक सिस्टम कैसे है। आइए जानते हैं। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी ना कभी किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन किया होगा जिनका मोटिव किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना या किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट, किसी कंपनी का प्रमोशन रहा होगा। लेकिन फॉर्सेज में ना ही तो कोई कंपनी है ना ही कोई प्रोडक्ट है। हम यहाँ कंप्लीटली क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, हम यहाँ BUSD में डील करते हैं, और यहाँ इस कंपनी का कोई बैंक अकाउंट नहीं है। मैं मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पे कि कोई भी कंपनी आपका पैसा लेके तब भागती है जब उनका खुद का कोई बैंक अकाउंट होता है। फॉर्सेज का खुद का कोई बैंक अकाउंट नहीं है। जो पैसे आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं वो 100% टीम डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है, इसलिए यहाँ पे कोई कंपनी पैसे लेके भागने का सवाल ही नहीं उठता है। तो ध्यान देने वाली यहाँ दो बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्सेज कभी बंद क्यों नहीं होगा। सबसे पहला रीजन ये कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन कर रहा है। फॉर्सेज को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डाल दिया गया है जहां से चीजों को डिलीट करना पॉसिबल ही नहीं है। ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है आपको। और सेकंड सबसे बड़ा रीजन है कि फॉर्सेज किसी कंपनी के अंडर नहीं आता है। फॉर्सेज कोई कंपनी नहीं है, फॉर्सेज का कोई मालिक नहीं है जो कि इसके प्लान्स को चेंज करे या कभी इस कंपनी को बंद करने का सोचे। 100% टीम डिस्ट्रीब्यूशन से मेरा मतलब है जब आप फॉर्सेज को ज्वाइन करते हैं चाहे वो कोई भी अमाउंट हो, उसका एक पोर्शन आपके अपलाइन को जाता है जिनके थ्रू आपने ज्वाइनिंग की है। बाकी का जो रेस्ट बचा हुआ अमाउंट है वो आपकी टीम में कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप चेक कर सकते हैं बहुत ही क्लियरली कि आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो किस आईडी में गए हैं, वो किसको ट्रांसफर हुए हैं। आप इजीली वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। और समझने वाली बात ये है कि अगर किसी भी कंपनी के बैंक अकाउंट्स होंगे और अगर उन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स में अपने कस्टमर्स के पैसे को डिपॉजिट रखा है तो शायद चांसेस हैं कि वो आपके पैसे लेके भाग जाए। लेकिन फॉर्सेज का कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है, ये किसी का पैसा डिपॉजिट करता ही नहीं है अपने पास। इनफैक्ट जो इनके फाउंडर हैं मिस्टर लाडो, उनके पास भी आपका हिस्सा इस तरीके से नहीं पहुंचता है कि वो वहां से डिस्ट्रीब्यूट करे। आपने जैसे ही अपना इन्वेस्टमेंट डाला वो इमिडिएट आपके टीम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट टू 100%। तो यहाँ पे फ्रॉड का कोई कोई चांस नहीं है, कंपनी के भागने का कोई चांस नहीं है क्योंकि ये कोई कंपनी नहीं है। इस चीज को बहुत ही क्लियर तरीके से अपने माइंड में सेट कीजिए कि फॉर्सेज कोई कंपनी नहीं है, ये सिर्फ एक अर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि क्रिप्टो में डील करता है। आई होप आपको अब ये क्लियर होगा कि फॉर्सेज कभी